मैं कहाँ फंस गया? इस कमरे में तो कुछ भी नहीं, इस काली चट्टान और इन दीवारों के अलावा मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये चट्टान तो हिल ही नहीं रही है। अब मैं कैसे निकलूं यहां से बाहर? ये दीवार मुझे इतनी नजदीक क्यों दिख रही है? कि पहले तो इतनी नजदीक नहीं थी। ये नुकीली दीवार तो धीरे धीरे मेरी तरफ ही आ रही है। मुझे जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना मैं इस काली चट्टान और नुकीली दीवार के बीच में नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्या करूं? अरे हो बुरा उस जिद्दी महाविनाशनी का जो डाल दी मेरे गले में ये मनहूस मूर्ति। मनहूस मूर्ति अब छुपाऊं कहां मैं तुझे? खेल रहे यहाँ पर तो बच्चे, छुपानी पड़ेगी मुझे ये मूर्ति। नहीं, देख लेंगे बच्चे इसे तो। है नहीं ये ठीक जगह, है ये सुरक्षित जगह, घूम रख देता मैं इसे। मारी किसने ये गेंद मुझे? किसने मारा? किसने ये गेंद मुझे? अगर टूट जाती है मूर्ति तो मजा आता। अरे हमारी ये गेम से अच्छा तो ये गेम है। चलो इस मूर्ति को निशाना लगाते। भगा के इन कमबख्त बच्चों ने मुझे, है सारा दोष उस महाविनाशनी का जिसने दे दिया मुझे ये बेकार सा काम, इस मनहूस मूर्ति को संभाल के रखने का। मनहूस मूर्ति अब छुपाऊं कहां तुझे समय संभाल के? उत्तम जगह इस मूर्ति को छुपाने की। रहेगी यूं तो ये सबकी नजरों के सामने और नहीं जाएगा किसी का विशेष ध्यान इसके ऊपर। क्योंकि है चल रही यहाँ पर तो पहले से ही सजावट तरह तरह की। वाह तोबा तोबा छी, मान गए आपके शातिर दिमाग को। होता है कभी कभी फक्र मुझे आप पर। कैसे निकलूं यहाँ से?
बालवीर। मैं चिंता मत कीजिए, मैं अभी कुछ करता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ बेटा, बेटा मन्ने अपनी चिंता नहीं है, मन्ने थारी चिंता है, अपना ख्याल रखना बेटा। ये देखो, ये जादुई सुई धागे ने बनाई है और ये मैंने अपने हाथों से बनाई है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। वाओ, और ये देखो, ये मेरी ड्रेस। कैसी है? मैंने और मैंने बिल्कुल जादुई ड्रेस की तरह सेम टू सेम ड्रेस बना दी। कैसी है? अब सबके पास सेम टू सेम ड्रेस बन गई है। अरे मानव, नेहा, याद है बालवीर ने क्या कहा था कि फाइनल शो में ये ड्रेसेस गायब हो जाएंगी? हाँ हाँ, याद है। चलो अब हम इस जादुई ड्रेस को इस बैग में डाल देते हैं और इस असली ड्रेस को टांग देते हैं। और मेहर, तू तेरी जादुई ड्रेस इस बैग से निकालना मत, हम सब भी अपनी अपनी जादुई ड्रेस इसमें डाल देते हैं। ले मान, डाल दे। हाँ ठीक है, अच्छे से रख दिया। मानव, मैंने तुझे कहा था कि ये ड्रेसेस को रख, तूने तो फेंक दी। क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी ये जादुई ड्रेसेस तो गायब होने वाली है। चलो ठीक है, अभी असली ड्रेसेस को हम टांग देते हैं। हाँ चलो, हमारा काम हो गया। अरे नहीं, अभी तो तैयारी करनी बाकी है। चलो। हाँ चलो जल्दी। इंटेलिजेंट चिल्ड्रन, खुद को बहुत होशियार समझते हो ना तुम। अब देखना मैं तुम्हें कैसे उल्लू बनाता हूँ। अरे मोंटो बॉस, फिर तो आप और वो दोनों सेम हो जाओगे, उल्लू उल्लू। वकूफ कही के पहले मेरा प्लान सुन और बाद में अपनी घटिया कॉमेडी करना। बॉस कॉमेडी कहाँ, मैं तो सीरियसली बोल रहा था। चुप, मेरा प्लान सुन। वो जादुई सुई धागा वाली ड्रेस है ना, यहाँ लटकाएंगे और ये ड्रेस हम लेके जाएंगे, समझा? क्यों, आप उसे पहन लोगे? वाह मेरे लाल, क्या जोक मारता है ना तू बेदली। गधा कहीं का, तुझे लगता है ये ड्रेस मुझे फिट आएगी? हाँ नहीं, सुन, वो जादुई सुई धागा वाली ड्रेस हमें यहाँ लटकाएंगे और ये ड्रेस हम चुपके से लेके जाएंगे और कहीं छुपा देंगे। और फिर ये ड्रेस शो शुरू होने से पहले गायब हो जाएगी और फिर उन पिद्दियों के पास कुछ बचेगा ही नहीं पहनने के लिए। वाह रोहित वाह, क्या प्लान बनाया तूने, हैट्स ऑफ। तूने प्लान बनाया? मतलब आपने बनाया क्या, मैंने बनाया क्या? वन इन द सेम ना, तो मतलब मैंने ही बनाया। ठीक है ठीक है। चाल बड़ी आसान पर है ये बड़ी मुश्किल, ये बिल्ली की चाल है। क्या कहते पृथ्वीवासी इसे, कैट वॉक। तो बा, वो कर लेता और थोड़ा थोड़ा वैसी इस चाल का। क्यों रक्षक परी, हे आराना, तुम्हें मजा मेरी बिल्ली की चाल देखकर है कर रहा तुम्हारा भी मन ना ये बिल्ली की चाल चलने को? आ, आ, है मुझे पता। अरे रे, पर करो क्या, मैं हो बन गई, तुम तो एक मूर्ति, अब वो क्या कर सकता मैं इसमें। नहीं 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 रक्षक भाई, रोना नहीं ठीक है।
कोई बात नहीं, तुझे क्या करना जान के, तू कहाँ थे कहाँ नहीं थे? तुम नहीं थे तो लाइफ में शांति थी। आज बड़ा मूड में दिख रहा है, बड़ा टशन दिखा रहा। हाँ टशन तो दिखाएगा ही ना, क्योंकि मॉन टू द ग्रेटेस्ट लखानी ये फैशन शो कंपटीशन जीतने वाला है। तो अब टशन में रहने का, टशन में स्टाइल करने का, फुल एकदम झक्का। सॉरी बस 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 बस, अब कुछ कैटवॉक की प्रैक्टिस की है या ऐसे ही हवा में उड़ रहा है? बेवकूफ चिट्टू, भूल जा, तुमने मुझे ये छाता गिफ्ट किया था। तो मैं कैटवॉक थोड़ी, मैं छाते की मदद से फ्लाइंग कैटवॉक करूंगा, है ना? चल मैं अभी तुझे दिखाता हूँ। ब्रिलियंट बॉस, बॉस होकर। चलिए है खेलते कोई अनोखा खेल अपना मन बहलाने के लिए। क्यों डूबा डूबा भाइयों? नहीं डूबा डूबा, बालवीर के जाने के बाद हमें कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। परियों, बालवीर जहां कहीं भी बहुत खुश है और हम सबको भी बालवीर की खुशी के लिए खुश होना चाहिए, उदास नहीं। रानी परी, रक्षक परी, आप यहां? हमने तो आपसे कुछ दिनों के लिए विश्राम करने के लिए कहा था। क्या रानी परी, ये आप क्या कह रही हैं? हम तो आप सबसे काफी समय के बाद मिल रहे हैं। हमें कई सालों तक भयंकर परी ने अपनी कैद में रखा हुआ था। क्या ये आप क्या कह रही है रक्षक परी? मतलब है महाविनाशनी ने बालवीर की मां का रूप लेकर बालवीर को अपने साथ ले गई है। रानी परी, रानी परी, हमारा बालवीर इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें बालवीर को महाविनाशनी से बचाना होगा। रानी परी, हमें बालवीर को बचाना होगा। Thank you.
मानव, महर, फैशन शो शुरू होने में 2 घंटे बाकी है। हम लोग जल्दी से अपने ड्रेस पहन लेते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कैटवॉक की। देखा ना, हमने कहा था ना कि फाइनल्स के पहले वो जादुई ड्रेसेस गायब हो जाएंगे, और देखो वो गायब हो गई। हाँ, अच्छा हुआ, अब कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। अब हम सबके पास अपनी अपनी सिंगल ड्रेस बची है। हाँ। ले ले जा। ये देखो। हाँ। हाँ? अरे ड्रेस कहाँ गायब हो गई? जी समय में फैशन शो शुरू होने वाला है और हमारे पास कोई भी अच्छी ड्रेस नहीं है पहनने के लिए। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, हमारी आंखों के सामने सब गायब कैसे हो गया? मेर, अब इसका जवाब तो सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है, बालवीर। चल बालवीर को बुलाते हैं। बालवीर! ये सारी सीढ़ियां मेरे साथ एक खेल खेल रही, अगर मैं इनकी चाल और गति को समझ लूं तो मैं अपनी माँ तक पहुंच जाऊंगा। ये सारी सीढ़ियां एक निश्चित गति से चल रही है और इनकी चाल का एक निश्चित क्रम भी है। बस एक बार मुझे इनकी चाल और क्रम के बारे में पता चल जाए, मैं सारी सीढ़ियों के खेल को समझ लूंगा। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। भरूच गुजरात के स्तवन शाह, मुंबई के ग्रंथ बोधरा, बुर्दवान वेस्ट बंगाल के आर्यन गुप्ता, वडोदरा गुजरात से रिया जोशी, कर्नाटक बेंगलोर के साजिया शरीफ, जूनागढ़ गुजरात के पृथ्वी पंसूरिया और दिल्ली के कना घालोट ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा अपना कचरा कूड़ेदान में ही डालते हैं और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं और इस तरह वो स्वच्छ भारत अभियान में भी अपना योगदान देते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, इसी तरह अच्छे और सच्चे काम करते रहिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का खास पत्र। दोस्तों, यह है आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है पूरी ओडिशा के शेख मिर्साद। दोस्तों, मिर्साद ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो अपने घर के आसपास रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाते हैं ताकि आसपास का वातावरण खुशहाल रहे और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा भी हो। बहुत अच्छी मिर्साद, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।